महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 26 जुलाई दिन मंगलवार को सावन माह की महाशिवरात्रि है। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि इस सावन माह की शिवरात्रि पर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, साथ ही हमारी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आज मैं आपको ऐसे 4 उपाय बताने वाली हूँ जिनकी सहायता से आपके सभी कष्ट दूर होंगे, साथ ही हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे पूर्ण करने के लिए सावन माह की महाशिवरात्रि पर मात्र 1 काली मिर्च और 7 दाने काली तिल के आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का धारण करके भगवान शिव से अपने मन की बात कह दीजिए, अपनी मनोकामना को कह दीजिए। यदि आपके घर में बहुत अधिक कलेश रहता है, घर में सदस्यों की बिल्कुल नहीं बनती है, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, सभी में झगड़ा होता है, तो गेहूं की 7 बालियां, जो गेहूं होती है उम्बी, उसकी 7 बालियां आप ले लें, अपने घर पर से 7 बार उतार कर भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए और अपने कष्ट को भगवान शिव से कह दीजिए। भगवान शिव आपकी अगली शिवरात्रि तक सारे कष्टों को हर लेंगे। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, बार बार बीमार हो जाता है, तो उस व्यक्ति पर से आप 7 जो बेर आती है वह बेर उतार कर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सारे कष्टों को दूर करेंगे, रोग से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या फिर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, आपके घर में कलेश होता है, बार बार किसी की बुरी नज़र लग जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप यह विशेष उपाय अवश्य करिएगा। महाशिवरात्रि, सावन माह की इस महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे, रात्रि में आप 12 बजे 1 धतूरा भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और करीब आधा घंटा बैठकर वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। उसके बाद अगले दिन आप उस धतूरे को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार वाले स्थल पर रख दीजिए, या फिर आप नौकरी करते हैं वहाँ रख दीजिए, या फिर घर में कोई परेशानी बार बार पैदा होती है तो अपने घर में मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी दोष नहीं लगेगा, आपके व्यापार में अगर किसी की नज़र लगी होगी तो वह नज़र हट जाएगी और आपका व्यापार तेज़ी से चलने लगेगा, आपकी नौकरी भी अच्छे से चलने लगेगी। यह 4 उपाय यदि आप महाशिवरात्रि पर करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक